वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन फिर से गिरावट देखने को मिले। एक अच्छी रिकवरी के बाद यहाँ पे गिरावट फिर से चालू हो चुकी है। 9.15 पे क्लोजिंग दे चुका था फ्राइडे के दिन में, तकरीबन 2.66% की गिरावट हो चुकी थी ओरियन ग्रीन पावर कंपनी में। तो देखा जाए ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक की मार्केट कैप 687 करोड़ की है। पी रेशियो बहुत ही ऊपर है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखा जाए तो बहुत ही ऊपर है। बुक वैल्यू है 6.52 का। डिविडेंड भी नहीं देता है स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आरओसी भी अच्छे है, 7.41% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.54% का है। फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर जो लोन है वो भी देख सकते हो, 1216 करोड़ का टोटल लोन है। और नेट प्रॉफिट इस साल का 35 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। ईपीएस भी देख सकते हो 0.47 का है। और सेल्स की बात की जाए तो 311 करोड़ के सेल्स हो चुके थे, उसमें से 35 करोड़ का प्रॉफिट निकला है। और टोटल एसेट जो है 1832 करोड़ के है। प्रोमोटर होल्डिंग 34% के ऊपर है। और शेयर प्लेस देखे जाए तो 15.4%, और एक साल में 205% का रिटर्न दिया है ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक ने। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जाए, जैसे कि देख सकते कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी धीरे धीरे कम हो चुकी है पिछले क्वार्टर में 13% से ज़्यादा, मीन्स 13.54% प्रमोटर होल्डिंग कम होती हुई नजर आ चुके। कंपनी ने पिछले 5 सालों में पोअर सेल्स ग्रोथ भी दिया है। प्रमोटर होल्डिंग अभी भी देख सकते हो बहुत ही कम है, 34% की है। कंपनी का देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों से बहुत ही कम है, एवरेजली देख सकते हो 2.73 माइनस में। कंपनी के जो डेप्टर्स डे वो भी बढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक बात दिखाई दे रही है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए।